दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं। वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मजा करना है तो आप मिल रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि यही कि ज़रूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है, क्योंकि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से, तो वो दोस्ती नहीं है। दूसरा, आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि फ्रेंड्स सपोर्टिव होने चाहिए, तो सपोर्टिव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी करो तो, जो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी कि नहीं भाई पाप भी कर, मार, गलत कर, मैं तो साथ खड़ा हूँ, ये दोस्त नहीं होते। तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर मेंटालिटी एक नहीं होगी तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे एक ना एक दिन जरूर करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज कुछ आपके अंदर आती है। तो जरूरी है कि वो बिहेवियर, वो पैटर्न, वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट मैच होनी चाहिए दोनों की, तभी आप एक साथ ग्रो कर सकते, वरना वही सैटरडे संडे मिलना और जिंदगी खराब करना यही हो पाए।